नमस्कार दोस्तों, बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से। बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से। कोई भी संगठन खराब नहीं होता, कोई भी संगठन बेमान नहीं होता। बेमान होते हैं उसमें जो लोग उसको चला रहे हैं, वो लोग बेमान होते हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो हमारी जंग उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। सारे लोग ये कहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल बहुत अच्छा संगठन है, उत्तराखंड क्रांति दल ने हमको राज्य दिलाया, उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य के लिए कुर्बानी दी, उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य की बेहतरी के लिए उसके पास विजन है और उत्तराखंड क्रांति दल ही इस राज्य का भला कर सकता है। परंतु उत्तराखंड क्रांति दल को हम समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि उसके नेता बेमान हैं। हम यहाँ पर अगर अपने लड़ाई बेमानों के खिलाफ हमारी है तो वो बेमान जो व्यक्ति है उसके खिलाफ क्यों नहीं है? हम उत्तराखंड क्रांति दल के खिलाफ लड़ाई क्यों बना रहे हैं? आज स्थिति ये है, अगर वो बेमान जिसे लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति बेमान है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ता है, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता है, वो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ता है, तो लोग उसको जिता के विधानसभा में भेजते हैं, उसको लोकसभा में भेजते हैं। अगर वो उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले लड़ता है तो वो हार जाता है। अब बेमान कौन है समझने की बात यह है, बेमान व्यक्ति है जो उत्तराखंड क्रांति दल जिसने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, जिसने ये राज्य बनाया, जिसने हमको उत्तराखंडी के रूप में पहचान दी, क्या वो संगठन बेमान है? इसलिए ये राष्ट्रीय दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये उनका षड्यंत्र है। बेमान और कोई नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल नहीं बेमान है, न उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर जो लोग हैं वो बेमान है। बेमान वो लोग हैं जो इसको प्रचारित कर रहे हैं। हमें समझना होगा, उत्तराखंड 20 साल हो गए आज उत्तराखंड को बने हुए, 20 साल पूरे होने वाले हैं लगा है, खस्ता हाल है, पलायन लगातार बढ़ा है, लूट खसोट मची है, वो बेमानी नहीं है क्या? उत्तराखंड क्रांति दल पे एक आरोप है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने 2007 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल रही सरकार बनाने में, 2012 में कांग्रेस के साथ रही, इन्होंने मलाई खाई, शामिल रही। हम स्पष्टीकरण कितना भी दें, उत्तराखंड क्रांति दल कितना भी दें, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनकी जिद है, उनके पास ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग प्रचारित करने वाले। परंतु हम उन्हीं के शब्दों में एक बात का सवाल का उत्तर चाहना चाहते हैं। अगर उत्तराखंड क्रांति दल ने कुछ दिन सरकारों में रहकर मलाई खाई, कमाई की, तो जो लोग उत्तराखंड को लूट रहे हैं इसीलिए तुम वो उनको नुकसान पहुंचाने के बजाय उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो जो लोग इस राज्य को लूट रहे हैं, लगातार लूट खसोट मचा रखी है, उन बेमानों को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने इस अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले कहा था, बाहर निकलो मकानों से, सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ और जंग लड़ो बेमानों से। वो बेमान चाहे उत्तराखंड क्रांति दल का हो, वो बेमान चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, वो बेमान चाहे आम आदमी पार्टी का हो, वो बेमान चाहे कांग्रेस का हो, वो बेमान चाहे निर्दलीय हो, बेमानों को एक ही पैमाने से नापना होगा और उनका जवाब होगा कि उन्हें रोकना होगा। उत्तराखंड में स्थिति वहां पर ये बनी है, केवल उत्तराखंड क्रांति दल के खिलाफ लड़ाई लड़े। उत्तराखंड क्रांति दल अगर जिस व्यक्ति पर आरोप होता है उसको पार्टी से निकालता है, वो निर्दलीय जीत जाता है, और उत्तराखंड क्रांति दल से लड़ता है तो हार जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी में जाके लड़ता है वो जीत जाता है, वो कांग्रेस में जाके लड़ता है वो जीत जाता है। तो ये केवल षड्यंत्र है उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर करने के लिए। उत्तराखंड में आए दिन फर्जी संगठन बनते हैं और उनका नाम
उत्तराखंड क्रांत दल बना रखा जाता है, वो उत्तराखंड क्रांत दल ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी रख सकते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ए बी सी डी क्यों नहीं बनती, कांग्रेस ए बी सी डी क्यों नहीं बनती, ये केवल और केवल उत्तराखंड क्रांत दल को नुकसान पहुंचाने का एक षड्यंत्र है। और ये लगातार हमारे वहां कहते हैं अगर इस पर हाथ पांव नहीं होते तो हम इसको निगल देते, ये स्थिति तो वहां उत्तराखंड क्रांत दल के खिलाफ बनाई गई है। इसलिए आप लोगों को सजग होना है, मकानों से बाहर निकलो, बेईमानों से लड़ो और पहचानो, खुद परखो और जो बेईमान है उसके खिलाफ एकजुट हो जाओ, तभी उत्तराखंड बच और बच सकता है। जय भारत, जय उत्तराखंड।